नाउ मल्टीप्लाइंग टू माइनस रूट थ्री यहाँ पे देखो जो भी टर्म है सेम वही टर्म लेना है अगर प्लस में होगा तो माइनस में लेना है अगर इधर अगर माइनस में है तो प्लस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा याद रखना है आपको वही टर्म लेना है ऑपोजिट सिंबल वाला ऐसे क्यों लेना है क्योंकि ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ओके ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो क्या आएगा आपको मालूम है सोल्यूशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे यूज करेंगे स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ओके सो अगर आपके पास माइनस वाले टर्म में क्वेश्चन में दिया है तो प्लस वाले टर्म मल्टीप्लाई करना अगर प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला मल्टीप्लाई करना है पहले आपको इतना याद रखना है सिंपल है ओके नाउ नेक्स्ट सॉरी फॉर दैट ओके तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टू माइनस रूट थ्री कहां पर न्यूमिनेटर में एंड डीमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर बराबर सो मल्टीप्लाई करने का रिप्रेजेंट किया ये क्वेश्चन है हमने मल्टीप्लाई किया रूट सो टू माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी टू माइनस रूट थ्री ओके सो वन से इंटू करेंगे तो एज इट इज दैट इज दिस अभी यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे भी फॉर्मूला है टू का स्क्वायर फोर और ये रूट और सॉरी ये और रूट कैंसल सो टू का स्क्वायर फोर एंड रूट एंड स्क्वायर कैंसल सो इट इज थ्री फोर माइनस थ्री वन और कोई भी टर्म्स वन से डिवाइड करेंगे एज इट इज आएगा तो दैट इज रिप्रेजेंट यहां ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक यू